नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। सरकार सड़क हादसों को कम करने के लिए कर रही सड़कें मजबूत करने की बात, लेकिन करप्शन से छापा जा रहा मौत का न्योता। देश में हाल ही में खराब सड़कों और उसके कारण होने वाले हादसों को लेकर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि सड़क हादसों में मौतों का आंकड़ा इन दिनों काफी बढ़ गया है, जिसके बाद सड़कें मजबूत करने की बात हो रही है। हमारे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और सरकार कोशिश में है कि जल्द से जल्द भारतीय सड़कों को विदेशी सड़कों के जैसा बना दिया जाए, लेकिन करप्शन से मौत का न्योता छापा जा रहा है। हादसा कभी भी बताकर नहीं आता, लेकिन क्या हो अगर खुलेआम हादसे का निमंत्रण दिया जाए। ये वीडियो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सेंदरी के NH मार्ग का, जहां पुल ध्वस्त हो गया है और रोज इस मार्ग से हजारों वाहन गुजरते हैं। दरअसल इस पुल निर्माण के कुछ महीनों में ही ये पुल टूट गया। यहां पुल के पास से बरसात का पानी निकाला गया था, जिसके कारण सड़कें ही धस गई और अब इस सड़क को बोरियों के ढेर से खड़ा रखा गया है, जहां पर रोज वाहनों की आवाजाही होती है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सुध लेने वाला कोई नहीं है। इन बोरियों के सहारे करप्शन को छिपाया जा रहा है और इस सड़क को खड़ा रखा गया है। सरैया विलियम से अमीन नगर रोड प्रधानमंत्री ग्राम पंचायत सड़क योजना के अंतर्गत बन रहा है और अभी ये देख सकते हैं आप, रोलर भी सामने खड़ा हुआ है, अभी बन ही रहा है और ये हमारे साथी लोग हाथ से इसे उखाड़ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की सड़क ग्राम पंचायत सड़क योजना के अंतर्गत बहुत ज्यादा मजबूती दे रही है। वहीं आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे सिर्फ हाथों से ही सड़क को उखाड़ा जा रहा है। ये वीडियो लखीमपुर खीरी में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बन रही सड़क के भ्रष्टाचार को दिखा रही है। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। सड़क दुर्घटनाओं के बाद सड़क निर्माण और अच्छी नई सड़कों के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन वो वादे धरे के धरे ही रह जाते हैं और अगर सड़क निर्माण के बाद उस सड़क का हाल बेहाल हो जाए तो भी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। फिलहाल आज के लिए इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की RC और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90831 90831 पर व्हाट्सएप कर दें तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।